So students, now let us find the electric field intensity due to the uniformly charged thin sheet. ये हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की. तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक कोई थिन सीट है, सपोज कोई एल्यूमिनियम की फॉइल हो आपके पास, और उसको आपने यूनिफॉर्मली चार्ज कर रखा है, इससे पॉजिटिवली चार्ज कर दी. और हम ये मान लेते हैं कि सीट का जो एरिया सरफेस एरिया एस है और इसके ऊपर जो चार्ज स्प्रेड है इट इज ए क्यू. तो अगर हम ये कहें कि एस एरिया पे चार्ज स्प्रेड है क्यू, तो यूनिट एरिया पे जो चार्ज स्प्रेड होगा वो कितना होगा, क्यू बाय एस, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी चार्ज यूनिट एरिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी. लेकिन यदि हम इसके सरफेस के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंटल सरफेस ले लेते हैं सर डी एस, तो उस डी एस पे भी क्या इतना ही चार्ज होगा क्या, नहीं, स्मॉल एरिया स्मॉल चार्ज होगा. तो डी एस एरिया पे जो स्मॉल होगा, डी एस एरिया पे जो चार्ज होगा वो होगा क्यू बाय एस इंटू डी एस, से इसको हम डी क्यू कह देते हैं. कितना कहते हैं, डी क्यू. और चार्ज यूनिट एरिया पर हम कम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी. सो इसका मतलब आपके पास डी क्यू आएगा, देन विल बी इस टर्म को आपने कहा सिग्मा सिग्मा डी एस, ठीक है. और अगर हम देखें टोटल इस सीट के ऊपर कितना चार्ज होगा तो वो भी हम इसे एस्टिमेट कर सकते हैं. तो इसको क्यू आएगा इंटीग्रल ऑफ डी क्यू, छोटे छोटे चार्जेस यहाँ पे डी क्यू वन डी क्यू टू डी क्यू थ्री सबका अगर जोड़ करते हैं टोटल चार्ज, ठीक है, जोड़ना होता है इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रल ऑफ डी क्यू, डी क्यू सिग्मा डी एस, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर लिख दीजिए. सो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटीग्रल डी एस. ओके बेटा, ओके. सो जो टोटल चार्ज इस शीट के ऊपर, अगर हम स्मॉल एलिमेंटल एरिया उसके ऊपर चार्ज डी क्यू मान करके चले तो वो आता है क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटीग्रल डी एस. याद रखना, आगे भी हमें ध्यान कुछ कंसेप्ट इक्वेशन करते रहे डी मान आएगा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटीग्रल डी एस. अब अगर इस छोटे से एलिमेंटल एरिया पे डी क्यू चार्ज है और इसके कारण से फील्ड निकालना चाहते हैं किसी पॉइंट पे, सपोज इस पी पॉइंट के ऊपर जो कि इसे कितने डिस्टेंस पे से आर डिस्टेंस पे, क्योंकि ये जो शीट है थिन है, थिन का मतलब ये समझ लीजिए कि आप एक कागज था, ठीक है, उसको एक शाई में डुबो करके लाएंगे तो शाई यूनिफॉर्मली दोनों तरफ लग जाएगी, ठीक है. मीन्स अगर कोई चार्ज था और चार्ज के अंदर डुबो के लाएंगे तो चार्ज यूनिफॉर्मली दोनों तरफ लग जाएगा, ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चार्ज को एनक्लोज करना है और इस पॉइंट को पी को लेते हुए तो हम एक सिलेंडर अज्यूम कर सकते हैं और लेंथ कितनी का, टू आर का, आर इधर और आर इधर. और इसके जो फ्लैट सर्फेस इसके एरिया है डी एस वन कहते हैं इसको, ये भी डी एस के बराबर है, और इसको कहते हैं डी एस टू, ये भी डी एस के बराबर, डी एस वन एंड डी एस टू बोथ इक्वल टू डी एस, डी एस वन एंड डी एस टू बोथ इक्वल टू डी एस, ठीक है, राइट. तो हमारे पास यहाँ पे तीन तरह के सर्फेसिस हो गए, एक एस वन, एक एस टू और एक कर्व सर्फेस टाइप का एस थ्री. तो इस कर्व सर्फेस पे एस थ्री अगर लेते हैं तो इसका जो नॉर्मल आएगा वो इधर की तरफ आएगा एम के थर्ड का एम थ्री के. और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण से क्या होगा, अभी तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इधर की तरफ हुई, तो ये इनके बीच में जो एंगल है कितना हो गया 90 डिग्री थीटा थ्री. तो इसके लिए लेंगे डी एस वन के लिए नॉर्मल तो वो इधर की तरफ ही आएगा कितना एम वन के, ठीक है. सो इट मीन्स दैट आपका जो ये होगी एम वन, ठीक है, सो थीटा वन कितना होगा जीरो डिग्री. ऐसे ही इसके कारण से लेंगे, इस सरफेस के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन यही होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस सरफेस का जो नॉर्मल आएगा वो भी इधर की तरफ आएगा एन टू कैप. तो ई और एन टू कैप के बीच में आएगा जो थीटा टू होगा वो कितना हो गया जीरो डिग्री. सो थीटा वन जीरो है, थीटा टू जीरो है, और थीटा थ्री कितना है 90 डिग्री, ठीक है, राइट. सो अब हम गॉस थ्योरम अगर अप्लाई करें तो गॉस थ्योरम ये कहती है कि क्लोज्ड इंटीग्रल अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होगी, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस ओवर द सरफेस एस इज इक्वल टू क्यू टोटल एनक्लोज्ड
और बाय एप्सिलॉन। ठीक है, हम ये भी ले सकते हैं कि इस पूरी सीट को कवर कर दे, पूरी सीट को कवर दोनों तरफ से, मीन्स ये पूरा ये सिलेंडर जो है ये एक्सटेंड कर दे इस साइज का, ताकि टोटल चार्जेस के अंदर आ जाए। मी मानेंगे तो क्यों टोटल होगा वो, तो अगर इसको अगर हम सरफेस को जो सिलेंडर था इधर से ओपन करना पड़ेगा, इधर से ओपन करना पड़ेगा, इधर से, तीन टाइप के सरफेस हो गए सिलेंडर के ऊपर, पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे लाइन चार्ज के केस में। तो इस सब इंटीग्रल को हम जो क्लोज है इसको ओपन करेंगे तो तीन पार्ट में ये स्प्लिट हो सकता है। ठीक है, कौन कौन से, पी डॉट बी एस वन, एस वन सरफेस के लिए, प्लस ओपन इंटीग्रल सरफेस का है ई डॉट बी एस टू, और ये एस टू सरफेस के लिए, प्लस ई डॉट डी एस थ्री, ये आपके पास एस थ्री सरफेस के लिए, एंड इज इक्वल टू क्यू टोटल एनक्लोज बाय एप्सिलॉन। ठीक है, आप देखते हैं कि थीटा वन जीरो है, थीटा टू जीरो है, और थीटा थ्री कितना है 90, सो थीटा थ्री 90 है, तो उसका कंट्रीब्यूशन तो कितना हो जाएगा जीरो थर्ड टर्म का। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि ये तो आपके पास जीरो हो गया, क्योंकि थीटा थ्री कितना है 90 डिग्री, क्योंकि इसको एक्सपेंड करेंगे ईडीएस कोस 90, कोस 90 कितना हो जाएगा जीरो। इसका इसका कंट्रीब्यूशन आएगा, कितना आएगा इसका इंटीग्रल ई डी एस वन कोस थीटा वन प्लस ई डी एस टू और कोस थीटा टू, इसका आएगा प्लस ई डी एस थ्री और कोस 90, और कोस 90 कितना हो जाएगा जीरो। थीटा वन आपके पास कितना लिखे, जीरो डिग्री लिखे, पहले लिखे लो थीटा वन, फिर बाद में पहले लिखे नेक्स्ट टाइम, प्लस ये थर्म थी जीरो इक्वल टू क्यू टोटल एनक्लोज बाय एप्सिलॉन। ठीक, सो ई डी एस वन, डी एस वन को भी कितना लिख सकते हैं डी एस, और डी एस टू को भी कितना लिख सकते हैं डी एस लिख सकते हैं, हम ई डी एस लिख देते हैं इसको, ई डी एस कोस जीरो प्लस ई डी एस टू को भी कितना डी एस, और कोस थीटा टू कितना जीरो, कोस जीरो, कोस जीरो होता है वन इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। क्योंकि ऐसा, क्योंकि डी एस वन और डी एस टू दोनों ही कितने हैं डी एस के बराबर हम ले रहे हैं। ठीक है, तो कोस जीरो हो गया वन, तो इसका मतलब ये टर्म आ गई ई डी एस प्लस इंटीग्रल ई डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन, और ये आपके पास दो बार होगी, तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल ई डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। ठीक है, अब एक बात आपको बता दें कि गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी, सेम का मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया, सो ट्वाइस इंटीग्रल डीएस, ट्वाइस ई और इंटीग्रल डीएस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। सो दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर सेकंड में देखिए हमें क्या क्या लिखा है, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटीग्रल डीएस, बट आप पुट कर दें, सो दिस इंप्लाइज दैट टू ई और इंटीग्रल डी एस इज इक्वल टू क्यू क्यू एन लिखी गई थी सिग्मा इंटीग्रल डी एस बाय एप्सिलॉन यूजिंग कौन सा इक्वेशन टू, इक्वेशन टू को यूज किया, यहाँ इंटीग्रल डी एस में इंटीग्रल डी एस कैंसिल हो गया, क्यों कैंसिल हो गया बताइए, क्योंकि डी एस आपके पास स्मॉल एरिया है। ठीक है, डी एस टेंड्स टू जीरो, मींस दैट इज नॉट जीरो बट स्मॉल, स्मॉल एरिया, डी जीरो डी नॉट जीरो टर्म क्या हो सकती है कैंसिल हो सकती, तो आपने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया, इसका मतलब आपके पास क्या बचा ट्वाइस ऑफ ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन, और यहां से अगर लिखना चाहे तो ट्वाइस ऑफ ई है, सो ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन। ठीक है, टू डिवीजन में आ गए, तो ये तो हो मैग्नीट्यूड, अगर बात करें कि तो सरफेस, तो सरफेस कैसे आ रहा है नॉर्मल खेलो, ठीक है सरफेस के इधर आ रहा है नॉर्मल खेलो आ रहा है, तो इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं और ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन लिख देंगे एन कैप, फिर एन कैप क्या है, अगर मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल वेक्टर सरफेस का, और नेगेटिव है तो इनवर्ड। ठीक है, मींस देयर एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो ये आपका ई इज इक्वल ये वैल्यू आ रही है इक्वेशन नंबर, दिस इज फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, तो ये हमने ध्यान रखा है किसके लिए है, थिन शीट के, ई थिन इज इक्वल टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन, ये मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन लिखो दो एन कैप लिख दो, राइट, ये आपके पास आई। अब अगर हम कहें कि हमारे पास थिक शीट है, कैसी शीट है, थिक है, मीन्स सपोज हमने ये कहा कि
इस तरीके से चार चीजें स्पेस में भी है और इस स्पेस के ऊपर चार चीजें, ठीक। और सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास सिग्मा सेम है, तो इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालना चाहते तो इस फर्स्ट फेस का इसको और इसको का सेकंड टोटल फील्ड इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज के कारण से आ जाएगी ये होगी ई वन फर्स्ट फेस की। ऐसे ही सेकंड फेस की निकालें तो वो भी क्या आएगी ई टू, ठीक है। इस जो चार्ज जो इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट ले रहे हैं तो एज इफेक्ट कर देते हैं, इस कंट्रीब्यूशन को हम क्या कर देते हैं नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि एजिस का जो फील्ड है वो मेन फील्ड जो डोमिनेंट फील्ड है उस डायरेक्शन में ना होकर के एक डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर है जो नेग्लिजिबल है, जिसको हमने डिस्टॉर्शन फील्ड का नाम दिया। अगर आप थिक की बात करें तो थिक में जो फील्ड होगा वो इन दोनों का सुपर पोजिशन होगा, ई फर्स्ट प्लस ई सेकेंड फेस का ई सेकेंड। तो ई जो थिक हुआ आपके पास कितना होगा सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन। और ई सेकेंड फेस का भी कितना होगा सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन, हाफ और हाफ मिलकर कितना हो जाएगा वन। सो ई जो थिक आ गया थिक शीट का आपने लिखना है सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ये रिजल्ट आपने ध्यान रखना है। थिन शीट का करेंगे तो सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन और थिक का करेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो इसका एक स्पेशल केस लेते हैं कि हमारे पास दो यूनिफॉर्म चार्ज शीट और डिफरेंट चार्ज डेंसिटी तो उनके डिफरेंट रीजन के अंदर फील्ड क्या होगा देखिए। सो प्रीवियस आर्टिकल में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थिन शीट के कारण से निकाली थी और वो आई थी ई थिन इज इक्वल टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन, थिक शीट का निकाला था तो देखिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन है। इसलिए जब हम यूज करेंगे हम कि थिन शीट यूज कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। आप ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास दो इनफाइनाइट प्लेन शीट्स हैं, एक को सपोज ए शीट नाम दे दिया और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव मान लेते हैं दूसरे के लिए और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास सिग्मा वन है और इसे कुछ सरफेशन के ऊपर दूसरी शीट रखी हुई है बी शीट कह दिया इसको और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी से सिग्मा टू कह दिया हमने, राइट। अब हमारे पास यहाँ तीन रीजन बने, एक ये प्लेट एक लेफ्ट में, एक प्लेट बी के राइट में जिसको थर्ड कह दिया और एक इन बिटवीन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इन तीन रीजन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दोनों ही सिग्मा वन एंड सिग्मा टू बोथ आर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, राइट। अब हम ये कहते हैं कि इस सीट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखे ड्यू टू फर्स्ट सीट ए सीट के कारण से तो ई वन होगी वो कितनी होगी सिग्मा वन बाय टू एप्सिलॉन थिन शीट है क्योंकि एंड ई टू जो होगा दैट विल बी सिग्मा टू बाय टू एप्सिलॉन, ठीक। और अगर हम ये मान लें कि जो सपोज कोऑर्डिनेट्स मानते हैं ओरिजिन ये एक्स डायरेक्शन के अलोंग जो भी चीज होगी पॉजिटिव एक्स के अलोंग उसको पॉजिटिव मान लें इलेक्ट्रिक फील्ड को और नेगेटिव डायरेक्शन में उसको कैसे मान लें नेगेटिव, जैसे हम कर लें अगर ई है इधर की तरफ जो होगी पॉजिटिव इधर की तरफ नेगेटिव ये रिगार्ड कर लेते हैं। तो सपोज इस पॉइंट पे निकालने हैं फर्स्ट रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो फर्स्ट प्लेट के कारण से कितनी होगी ई वन किधर पॉजिटिव चार्ज के कारण से अभी नॉर्मली आउटवर्ड ये होगी ई वन, राइट। ऐसे ही सेकंड प्लेट की बात करोगे तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस दैट विल बी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन ई टू सिग्मा टू बाय एप्सिलॉन। इस रीजन पे इस पॉइंट पे निकालेंगे कि पॉइंट अगर यहाँ है तो इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट के कारण से तो क्या होगा ई वन इधर की तरफ सिग्मा वन बाय एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन, इस सेकंड सीट के कारण से इधर की तरफ होगा तो इट विल बी ई टू मीन्स ई वन तो पॉजिटिव ले जाएगा नहीं तो कैसा नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव कन्वेंशन ले लिया हमने। इस रीजन में अगर देखिए बात करेंगे तो अगर प्लेट ना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण से क्या होगी ई वन इधर की तरफ और ई टू भी बात करोगे सेकंड प्लेट की दैट इज ऑल्सो ई टू ई वन ई टू फिर क्या होगी पॉजिटिव,
अगर हम ये देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे तीन रीजन के अंदर रेस्पेक्टिवली फर्स्ट रीजन की बात करते, रीजन वन, इसको हमने नाम दे दिया रीजन टू, और इसको नाम दे दिया रीजन थ्री। रीजन वन में कितनी होगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों ही नेगेटिव होंगी, ठीक है, तो मैं बाद में रिजल्ट आएगी वो यहां लिख दूंगा। सो दैट विल बी ई फर्स्ट कितना होगा, दैट विल बी माइनस ई वन एंड माइनस ई टू, दोनों ही नेगेटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन में। ई वन तो कितना है बोलिए, माइनस सॉरी सिग्मा वन बाई टू एप्सिलॉन माइनस है ये सिग्मा वन बाई टू एप्सिलॉन, माइनस ई टू की वैल्यू कितनी, सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन सिग्मा टू बाई माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस सिग्मा वन और एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन भी कॉमन ले लिया, तो दैट इज सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू और बाय टू एप्सिलॉन, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। किस रीजन में, ई फर्स्ट रीजन क्या है, सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। रीजन सेकंड की बात करनी है, हमने निकाला रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड, रीजन सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए ई टू, तो वो कैसी होगी, ई वन पॉजिटिव और ई टू कैसा नेगेटिव, तो प्लस तो ई वन होगा और माइनस हो ई टू, प्लस ई वन का मतलब प्लस, ई वन की वैल्यू सिग्मा वन बाई टू एप्सिलॉन, माइनस ई टू की वैल्यू कितनी होगी सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन, ठीक है, टू एप्सिलॉन से कॉमन ले लीजिए, आपके पास टर्म आ जाएगी सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू और बाई टू एप्सिलॉन, ये आपके पास ये रीजन सेकेंड का आगे ई टू, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसी तरह से रीजन थर्ड में, इन रीजन थर्ड रीजन थर्ड की बात करते हैं तो दोनों ई वन और ई टू दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की, सॉरी पॉजिटिव डायरेक्शन, तो पॉजिटिव डायरेक्शन दोनों प्लस लिखेंगे, सो ई थर्ड आएगा आपके पास, ई वन भी पॉजिटिव और ई टू भी कैसा पॉजिटिव, ई वन की वैल्यू लिख दीजिए ई टू, सिग्मा वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा टू बाय टू एप्सिलॉन नॉट, तो टू एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास टर्म आ गई सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू और बाय टू एप्सिलॉन नॉट, दैट इज ई थर्ड, ये थर्ड रीजन की बात आ गई, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट रीजन में कहें तो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगी नेट फील्ड, कितना बोली सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई थर्ड की बात करी तो इतना ही पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो प्लस का और कितना सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाय टू एप्सिलॉन नॉट। और रीजन सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में ई वन तो पॉजिटिव ई टू नेगेटिव का, तो दैट इज सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाय टू एप्सिलॉन, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को हमने एक के अंदर लिख दिया। अब हम यहाँ एक स्पेशल केस मान लेते हैं कि यदि ये जो प्लेट है सिग्मा वन जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी थी इसको हमने प्लस सिग्मा बोल दी, मीन्स इसके पास पॉजिटिव चार्ज, और जो सिग्मा टू है वो नेगेटिव बोल दे, सिग्मा टू इज माइनस सिग्मा, ठीक है, सिग्मा वन तो आपके पास पॉजिटिव है और सिग्मा टू कैसा है नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। अभी रीजन आपके पास हो गया सेकंड, ये रीजन हो गया फर्स्ट और ये रीजन थर्ड, तो इसके अंदर अगर उसी के अंदर पुट करें इनकी वैल्यूज को तो E आपके पास कितना कितना आएगा बताइए। ये रीजन फर्स्ट की बात करें तो सिग्मा वन तो सिग्मा, सिग्मा टू कितना माइनस सिग्मा, सिग्मा माइनस सिग्मा कितना जीरो, यहाँ पे भी सिग्मा माइनस सिग्मा कितना जीरो, तो ये रीजन फर्स्ट और थर्ड का कितना आएगा जीरो आएगा, ये रीजन फर्स्ट का वो भी जीरो आएगा और ये रीजन थर्ड का वो भी क्या जाएगा जीरो, मीन्स यहाँ पे इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जाएगा। सेकेंड की बात करते हैं तो सेकेंड में लिखेंगे सिग्मा वन को तो प्लस सिग्मा और ये माइनस है इसके अंदर, ये माइनस सिग्मा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपने ये सेकंड की बात करी
ये आपके पास आया सिग्मा वन, तो कितना सिग्मा, माइनस में सिग्मा टू कितना माइनस सिग्मा, और बाय टू एप्सिलॉन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन, टू से टू कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है सिग्मा बाय एप्सिलॉन, और किस रीजन के अंदर आई, यहाँ जीरो यहाँ जीरो, तो कहाँ एग्जिस्ट करा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करा इन बिटवीन द प्लेट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ द सेपरेशन, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना हुआ सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सो इट मीन्स दैट अगर आपके पास दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कैपेसिटर के केस में होता था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी वैल्यू कितनी होती है ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन एग्जिस्ट बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स लाइक इन केस ऑफ कैपेसिटर हम अगले चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे जो बचा हुआ है। दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स, ठीक है। अब हम इसके इस चैप्टर की एप्लीकेशन जो गोज करूँ की वो पूरी होगी, तीन ही थी हमारे पास, एक प्लेन चार्ज, एक स्फेरिकल सेल और एक हमारे पास प्लेन शीट का, इन प्लेन शीट का ये हमने बस एक स्पेशल केस के तौर पर डिस्कस किया, हम इसकी प्रॉब्लम करते हैं। So now discuss some problems on electric flux. आपको इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक आपके पास एक स्केयर लेमिना है, एक स्केयर प्लेट है जिसके साइड 10 सेंटीमीटर इंच, ठीक है, और इस स्केयर प्लेट के सेंटर से ए बाई टू हाइट पे, मीन सपोज ये 10 है तो 5 सेंटीमीटर हाइट पे एक चार्ज क्यों रखा है, तो कहता है कि इस चार्ज के कारण से इस स्केयर प्लेट से कितनी फ्लक्स समर्ज होगी। आप जानते हो कि फ्लक्स का निकालने का गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फार्मूला सीधा पाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन, कि टोटल जितना भी सेगर क्यू है बाय एप्सिलॉन, लेकिन यहाँ ये आंसर नहीं होगा फिलहाल, क्यों, क्योंकि इस चार्ज के कारण से जो फ्लक्स है वो तो थ्री डायमेंशन में एमर्ज होगी, इस हमें निकालनी है केवल किससे, इस एक फेज से, तो इस चार्ज को पहले तो ओपन है क्लोज करना पड़ेगा गॉस थ्योरम की कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो अगर इसको क्लोज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पे एक ट्यूब कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कितनी हाइट का, ए हाइट का, ए ब्रेथ का, और स्केयर जो सभी छह फेसेस हो, कितने फेस हो गए, एक दो तीन चार, एक पीछे की तरफ पांच और अपनी तरफ छह, तो इन छह के छह फेसेस से क्या निकलेंगे, फिर लाइन निकलेगी इस फेस से भी, इस फेस से अपवर्ड से भी, उस पीछे वाले से भी, इस साइड वाले से भी, तो छह फेसेस से कुल फ्लक्स कितनी आई, फाइव जो टोटल आई, कितने फेसेस का कंट्रीब्यूशन हुआ, छह फेसेस का, सिक्स फेसेस की जो फ्लक्स है फाइव की वो कितनी है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, तो इसका मतलब फ्लक्स एक फेस की कितनी होगी, फ्लक्स कंट्रीब्यूशन टू बाय सिंगल स्केयर सीट वो इसका 1/6 हो जाएगी, दैट विल बी 1/6 ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन, तो जो आपके पास आंसर आएगा ये फाइव एक स्मॉल लिख देता हूँ इसको इस तरह से, तो दैट विल बी क्यू बाय 6 एप्सिलॉन। इसी तरह से कॉमन क्वेश्चन इसी टाइप के आपको यूं कह दिया जाए कि हमारे पास एक ये क्यूब रखा है, और इस क्यूब के इस फेस पे कोई चार्ज रख दिए, अब याद रखिए ये चार्ज ओपन, तो ओपन को क्लोज करने के लिए आप क्या करोगे, एक क्यूब और कंस्ट्रक्ट करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये एनक्लोज हो गया, इसके कारण से जो फ्लक्स निकलेगी वो दोनों क्यूब के कारण से होगी, और आपने फ्लक्स क्यूब पर सिंगल क्यूब के कारण से निकालनी, एक क्यूब के कारण से, तो दो क्यूब का कंट्रीब्यूशन कितना है क्यू बाय एप्सिलॉन, तो दो का कंट्रीब्यूशन क्यू बाय एप्सिलॉन, तो एक का कितना हो जाएगा क्यू बाय टू एप्सिलॉन। किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको यूँ कह दीजिए किसी एज पे रख दिया जाए, अगर किसी एक एज के ऊपर रखा आपने, मान लीजिए सपोज ये एक किसी एक एज पे रख दिया मान लीजिए, तो इस एज को क्लोज करने के लिए क्यों, आपको केमिस्ट्री में पढ़ते होगे कि ये एज हर एक जो कॉर्नर है
वर्टेक्स है क्यूब का, वो 8 क्यूब से शेयर होता है, मींस एक का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/8 होगा, क्योंकि आप एक अगर क्यूब कंस्ट्रक्ट करेंगे, देखिए इस ऊपर कंस्ट्रक्ट हो गया ठीक है, फिर इधर से ओपन रह रहा है तो इधर की तरफ भी, इधर की तरफ भी, इधर की तरफ भी, टोटल कितने क्यूब होंगे 8 क्यूब बन जाएंगे, कितने हो जाएंगे 8, तो एक का जो कंट्रीब्यूशन आएगा क्योंकि इधर की डायरेक्शन पीछे बना ऐसे ही नीचे बनेगा ठीक है, ये तो 4 बने लेकिन इधर की तरफ से ओपन रहेगा क्योंकि बिल्कुल जस्ट क्योंकि किनारे पे रखा है ठीक है, बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, पिछले घर की दीवार है और इधर की दीवार, तो आपको यहाँ पे भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, 4 ये करने पड़ेंगे, 2 ऊपर 2 नीचे, टोटल कितने हो जाएंगे 8 क्यूब हो जाएंगे, छोटे क्यूब 8 छोटे क्यूब का कंट्रीब्यूशन कितना क्यूब बाय एप्सिलॉन, तो एक छोटे क्यूब का कितना हो जाएगा क्यूब बाय 8 एप्सिलॉन ठीक है। इसी तरह से आपको किसी एक किनारे पे देख करके कह दीजिए कि किस किनारे के ऊपर है ठीक है, इस किनारे को क्लोज करने के लिए कितने क्यूब लेने पड़ेंगे 4 ठीक है, ये आपके पास ये क्यूब है, यहाँ पे इस किनारे पर रखा, तो इस किनारे पर रखा था एक क्यूब, तो इधर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा ठीक है, 2 हो गए, 2 ऊपर हो जाएंगे ठीक है, तो 2 और 2 4, तो एक का कंट्रीब्यूशन कितना जाएगा क्यूब बाय 4 एप्सिलॉन, इस तरह की प्रॉब्लम आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, डिस्कस कर रहे हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लें। अब आपको ये आ गया कि हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बॉडी है, हेमिस्फेरिकल बायोलॉजिकल कटोरी है, उस कटोरी को एक तो फ्लैट फेस हो गया और एक कर्व फेस, तो इसको तो कर्व सर्फेस बोल दिया, इसको फ्लैट सर्फेस मीन प्लेन सर्फेस बोल दिया, तो कहता है कि इसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं, पहली बात तो ये कहते हैं कि इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, हेमिस्फेरिकल बॉडी इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस, मींस हमें फ्लक्स निकालनी है ड्यू टू द कर्व सरफेस निकाल ठीक है, कब, पहला केस जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लेन सरफेस के पैरेलल हो, बेस के पैरेलल हो, दूसरा बेस के या प्लेन सरफेस के कैसे हो, परपेंडिकुलर, फर्स्ट केस ई इज पैरेलल टू द बेस एंड सेकंड केस एंड ई इज परपेंडिकुलर टू द बेस, तो पहली बात तो सिंपल सी है कि जब हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्योंकि कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है और कोई चार्ज इनक्लोज नहीं होता तो फ्लक्स का फार्मूला होता है क्यू टोटल बाय एप्सिलॉन टोटल इनक्लोज, और टोटल चार्ज जीरो तो फ्लक्स भी कितनी हो जाएगी, जीरो, फाई टोटल, फाई टोटल विल बी जीरो, लेकिन फाई टोटल जीरो किस किस का कंट्रीब्यूशन होगा, कर्व सरफेस का और प्लेन सरफेस का, तो फाई ड्यू टू द कर्व सरफेस प्लस फाई ड्यू टू द प्लेन सरफेस विल बी जीरो, ये बात ध्यान रखें, इसका मतलब ये होगा कि टोटल फ्लक्स जीरो का मतलब जितनी इनवर्ड फ्लक्स है उतनी कैसी है आउटवर्ड फ्लक्स है ठीक है, मीन्स इनवर्ड जो फ्लक्स होगी फाई इनवर्ड वो किसके बराबर है, फाई आउटवर्ड के बराबर, ये बात ध्यान रख रहे ठीक है। अब फर्स्ट केस में आपको ये कहा कि जो प्लेन सरफेस था, ये था प्लेन सरफेस, ये वाला इसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल तो इस प्लेन सरफेस का जो नॉर्मल है किधर आएगा, इस डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर की तरफ एन के, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना होता है जीरो, इसका मतलब प्लेन सरफेस की जो क्या आएगी इस केस में, फर्स्ट केस में पैरेलल बेस के प्लेन सरफेस की फ्लक्स जीरो आएगी, अब प्लेन की जीरो और कर्व दोनों की मिलाकर के जीरो, तो कर्व की क्या होनी चाहिए जीरो, तो पहले केस में कर्व की कितनी आ जाएगी जीरो, देखिए कैसे, क्योंकि फाई प्लेन सरफेस का निकालोगे और रेडियस ऑफ द अगर मैं स्फीयर मान लूं कैपिटल आर, तो सरफेस एरिया जो कितना होगा ये फ्लैट फेस का सर्कुलर एरिया है वो कितना हो जाएगा पाई इनटू आर स्क्वायर ठीक है, बेस का, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगी पाई इज इक्वल टू ई ए और कॉस थीटा, थीटा यहाँ कितना है 90 डिग्री, सो मैंने लिख दिया कॉस 90 और कॉस 90 जीरो होगा, तो इसका मतलब प्लेन सरफेस की फ्लक्स कितनी आएगी जीरो, बट पाई जो टोटल है वो कितनी है पाई प्लेन प्लस पाई कर्व इक्वल टू जीरो, फर्स्ट नंबर इक्वेशन के कारण से फाइव प्लेन आपकी जीरो आ गई, तो फाइव कर्व कर्व सरफेस भी कितना आएगा जीरो, तो इसका मतलब फाइव कर्व सरफेस पहले केस के लिए कितनी आई जीरो कर्व सरफेस की फ्लक्स। दूसरा केस आपने किया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस फ्लैट फेस के परपेंडिकुलर, कैसे परपेंडिकुलर मींस ई इज परपेंडिकुलर टू द बेस, जब ई परपेंडिकुलर है बेस के तो बेस तो ये तो बेस की नॉर्मल तो ये हुआ इस डायरेक्शन में, मींस इसके जो नॉर्मल आया वो तो एन कैप इधर की तरफ आया, तो ई और एन कैप के बीच में एंगल कितना आ गया थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो कॉस 180 कितना होता है माइनस 1 होता है, तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, तो यहां कर लेते हैं, तो फाई प्लेन सरफेस की कितनी आएगी ई एरिया ए ठीक है, वो हमने यूज नहीं करा यहां पे क्योंकि जीरो था पाई आर स्क्वायर, से ई ए, तो यहाँ कोस कितना होगा 180
और याद रखें भी cos 180 होता है कितना माइनस 1 ई एरिया की वैल्यू कितनी पाई इनटू कैपिटल आर स्क्वायर और cos 1 की वैल्यू माइनस 1 तो ये वैल्यू आ गई माइनस ई इनटू पाई इनटू कैपिटल आर स्क्वायर क्योंकि cos 180 देखा माइनस 1 राइट। अब ये आपके पास किसकी आई प्लेन सरफेस की और टोटल कितनी जीरो प्लेन सरफेस कितनी नेगेटिव तो कट सरफेस कितनी क्या होगी पॉजिटिव की इसका अंतर ही हुआ और इसका इसको मैं बोलूं सपोज सेकंड था ये थर्ड ठीक है बट फाई जो है टोटल वो कितना है फाई कर्व सरफेस प्लस फाई प्लेन सरफेस और कितनी है जीरो फ्रॉम फर्स्ट तो फाई कर्व सरफेस की तो मेरे को निकालनी है प्लेन सरफेस की कितनी आई माइनस ई इंटू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो सो फाई कर्व सरफेस की कितनी आ जाएगी ये नेगेटिव टर्म में उधर जाकर के पॉजिटिव तो ई इंटू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर ये आपके पास किसकी आ गई कर्व सरफेस की फ्लक्स तो पहले केस में तो कर्व सरफेस की फ्लक्स आएगी जीरो और दूसरे केस में कितनी होगी ई इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर ठीक है। अब थर्ड टाइप की प्रॉब्लम देखते हैं बोल्ड ड्रॉप करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में आपको ये कहा है कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E is equal to 3 into 10 to the power 3 i cap। i cap का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में कर रहा है x डायरेक्शन में। E is equal to 3 into 10 to the power 3 i cap न्यूटन पर कूलम ये यूनिट होगी और डायरेक्शन की तरफ पर है पॉजिटिव i cap है तो x एक्सिस की तरफ ये सपोज आप ये x एक्सिस मान लो ये y और ये से z और आपको कहता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड। इस फील्ड के कारण से कोई स्केयर फेस रखा हुआ इसके अंदर और उस स्केयर फेस किस तरह से रखा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू स्केयर साइड ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर साइड का स्केयर है हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन जिसको किसने रखा था वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन का मतलब ये प्लेन और कौन है स्केयर फेस ये वाई जेड प्लेन के पैरेलल प्लेन में जरूरी नहीं कि ये यहाँ पे रखा हुआ यहाँ हो सकता है वाई जेड प्लेन में कहीं और इसकी जो साइड है वो कितनी दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर ठीक है। एरिया कितना हो जाएगा इसका बोलो साइड का स्केयर 10 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करिए 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 टू पावर माइनस 2 तो ये आ गया 10 टू पावर माइनस 1 मीटर साइड एरिया आ जाएगा आपके पास साइड का स्केयर तो 10 टू पावर माइनस 1 का स्केयर सो दैट विल बी व्हाट 10 टू पावर माइनस 2 और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ ही है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है सेम ही है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये किसके लोग आई कैप के लोग और ये भी कहीं दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री अगर केवल मैग्नेटिक यूज करते हो अगर आप आई क्रॉस आई करोगे तो कितना आएगा बन जाएगा ठीक है। तो इसलिए इसकी फ्लक्स निकालिए फ्लक्स कैसे निकलेगी फाई इज इक्वल टू कितना होता है ई डॉट ए या फिर ई ए कॉस थीटा ई का केवल मैग्नीट्यूड लिखे तो मैग्नीट्यूड लिखे तो 3 इनटू 10 टू पावर 3 एरिया का केवल मैग्नीट्यूड लिखे कितना टेन टू पावर माइनस 2 कॉस कितना थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कॉस 0 कितना 1 सो 3 इनटू 10 टू पावर 3 इनटू 10 टू पावर माइनस 2 इनटू 1 तो दो पावर इसमें कट जाएंगे 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये यूनिट होती है आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तो ये फ्लक्स आ गया आपके पास ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई ई डॉट ए करके फाइव इज इक्वल टू ई डॉट ए कितना है 3 इंटू 10 टू पावर 3 और कितना आई कैप डॉट एरिया वेक्टर की वैल्यू कितनी 10 टू पावर माइनस 2 क्योंकि अगर वेक्टर लिखेंगे तो डायरेक्शन लिखेंगे 10 टू पावर माइनस 2 और क्या आई कैप क्योंकि नॉर्मल इधर की तरफ आए ठीक है। तो ये हुआ 3 इंटू 10 टू पावर 3 डॉट एरिया की वैल्यू 10 टू पावर माइनस 2 और आई कैप ठीक तो मैग्नीट्यूड तो अलग हो जाएंगे 3 इंटू 10 टू पावर 3 और इंटू 10 टू पावर माइनस 2 और ये क्या हो गया आई डॉट आई और आई डॉट आई कितना होता है 1 डॉट प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल एंट्रीज 1 यूनिटी ये हो गया 3 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर
माइनस टू अगेन कितना 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। वैसे भी कर सकते हैं आप। सेकेंड ने इसमें पार्ट पढ़ा दिया कि क्या कहता है कि व्हाट वुड बी द फ्लक्स फॉर द सेम स्केयर, उतना ही स्केयर, वही स्केयर है, लेकिन अगर उस स्केयर का जो नॉर्मल है वो आपके 60 डिग्री बढ़ाए किसका, एक्स एक्सिस का, मींस इस एरिया को इस तरह से रख दिया कि इसका जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस के साथ, मींस ये आपका स्केयर है सपोज, ठीक है, और स्केयर का जो नॉर्मल है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द स्केयर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद किसके साथ, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के अलावा कौन है आपका भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब किसके साथ बना रहा है, ई के साथ, तो ये किसकी डायरेक्शन है, एरिया की डायरेक्शन, तो ई और एरिया के बीच में एंगल कितना होगा 60 डिग्री, तो हम जो फ्लक्स आएगी फाई कितनी आ जाएगी भाई, ई डॉट ए और ई ए कॉस थीटा, और थीटा किसके बीच में होगा, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ही तो होगी, ठीक है, तो ई की वैल्यू 3 × 10⁻³ −2 एरिया की वैल्यू और cos 60 डिग्री देखा ना, cos 60 वो होगा sin 30 होता 1/2, तो 3 × 10⁻³ −2 × 1/2, तो ये फैक्टर 30 आया था, 30/2 दैट इज 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो बाकी की इसकी जो प्रॉब्लम है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हाँ इसकी जो स्टोरेज है साइज ज़्यादा हो रहा है, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।